हमने कल पुरुष सूक्त के 13वां मंत्र हो गया था और बड़ा आलंकारिक वर्णन है उस परात पर पुरुष को किन किन रूपों में इस सृष्टि में देखा जा सकता है, इस सृष्टि का कौन सा स्वरूप उस परम पुरुष के किस अंग के समान है, किस किस प्रकार से वो सारे संसार का संचालन कर रहा है, उसकी महिमा, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, उस परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि के किन किन अंगों में, किन किन रूपों में विद्यमान है, ये बहुत ही सुंदर रूप में, प्रभावशाली शैली में इन मंत्रों में प्रतिपादित किया जा रहा है। आपने 13वें मंत्र में देखा था कि अंतरिक्ष मानो उसके नाभि के समान है, द्युलोक उसके मस्तक के समान विद्यमान है और सारी भूमि उसके पैरों के समान है, मानो उसके चरणों से ही उत्पन्न है, और सारी दिशाएं उस पुरुष के श्रोत्र के समान हैं, और इस प्रकार से उसने लोक लोकांतरों को, द्वीप द्वीपांतरों को, सारे भूमंडल को, सारे संसार को बनाया है। इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए इस सूक्त के साक्षात्कर्ता जो ऋषि हैं वो कौन हैं? नारायण ऋषि हैं। तो नारायण ऋषि इसका साक्षात्कार करते हुए फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यत् पुरुषेन हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतोस्य आसिदाज्यम ग्रीष्म इद्म शरद्धवी। पुरुषेन हविषा, उस पुरुष रूपी, परमात्मा रूपी, ईश्वर रूपी हवि के द्वारा, हविषा तृतीया का एक वचन है, अर्थात जो सारे संसार की हवियों को, हवि एक आप जानते हैं कि जो यज्ञ कुंड में हम देते हैं वो भी हवि है, और मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि जो हमारी प्रार्थनाएं, पूजाएं, अर्चनाएं, तपस्याएं सारी की सारी उसी पुरुष को समर्पित होती हैं, इसलिए वो भी हवि है। हम प्रातःकाल सायंकाल ध्यानमग्न होकर के, आसन लगा करके, एकाग्र चित्त से उसका स्तवन करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके गुणों का गुणगान करते हैं, उसकी महिमा को हम स्मरण करते हैं, ये सब भी हवि है। तो पुरुषेन हविषा, अर्थात वह जो परात पर पुरुष है, परम पुरुष है, ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, प्रजापति है, उसके उस हवि रूप के द्वारा देवा यज्ञम अतन्वत, देवा विद्वांसो वै देवा, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा दुस्थानो भवति तिवा, और त्रयस्त्रिंशत् देवा इत्यस्माकं विश्वासः, 33 देवता इस सारे पृथ्वी के नियामक हैं, नियंत्रक हैं, संचालक हैं, देते रहते हैं दिन रात, उनका देना कभी अवरुद्ध नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। तो ऐसे देवताओं ने, और मानव भी धीरे 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 करके मानव बनता है, उसके बाद देवत्व को प्राप्त होता है, तो ऐसे देवताओं ने यज्ञम अतन्वत, एक स्थूल यज्ञ होता है जो हमारे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, हमने अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि को उद्बुद्ध किया और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ उसमें अपनी आहुतियां देते गए और अग्नि देदीप्यमान होता गया, ये तो एक बाह्य यज्ञ है, भौतिक यज्ञ है, स्थूल यज्ञ है। लेकिन एक यज्ञ ऐसा है जो निरंतर हमारे अंदर चलता रहता है, तो यज्ञम अतन्वत का अर्थ है यहाँ पर जो अपना मानसिक यज्ञ है,
हमने यज्ञ को केवल बाहर तक सीमित रखा तो जब तक वो हो रहा है तब तक तो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो बंद हुआ हमारा उसके साथ संबंध विच्छिन्न हो जाता है। लेकिन वो यज्ञ यदि हमारे मन में है, हमारे अंतःकरण में है, हृदय में है, हमारी अंतरात्मा में है, तो वो फिर 24 घंटे प्रज्वलित रहता है, वो 24 घंटे चलता रहता है। हम कहा करते हैं ना कि परमात्मा का जो सृष्टि यज्ञ है वो अहर्निश दिन रात चल रहा है। तो यज्ञम अतन्वत अर्थात अपने मानसिक यज्ञ का तनु विस्तारे, अतन्वत अर्थात विस्तार करते थे, विस्तार करते हैं और विस्तार करते रहेंगे। वेद में किसी भी लकार का प्रयोग हो वो तीनों कालों में उसका अध्याहार होता है, तीनों कालों में उसका अर्थ संगत होता है। अब यहाँ आलंकारिक रूप से कहा वसंत अस्य आसिदाज्यम ग्रीष्म इधम शरद हवि, इसको दो तरह से आप समझ सकते हैं, एक तो दिन का पूर्वार्ध, एक मध्यान्ह और एक उत्तरार्ध। तो जो वसंत दिन का जो पूर्वार्ध है वो मानो इस यज्ञ के आज्य घृत के समान है। वसंतो अस्य आज्यम आसीत, आसीत अस्ति भविष्यति वा। दूसरा जो ग्रीष्म है, ग्रीष्म किसको कहते हैं, जहां प्रचंडता होती है सूर्य की, तो ग्रीष्म में भी सूर्य प्रचंड होता है, तो ऐसा काल कौन सा है, मध्यान्ह काल, दोपहर का समय। तो ग्रीष्म जो मध्यान्ह का समय है, दोपहर का समय है, मानो इस मानसिक यज्ञ का इधम है, ईंधन है। और तीसरा काल हो गया उत्तरार्ध, सायंकाल अपराह्न जिसको कहते हैं, तो वो शरद हवि, वो शरद के समान है। धीरे 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 जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, जैसे जैसे भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर जाने लगते हैं, तो आतप में थोड़ा थोड़ा कमी आने लगती है, धीरे धीरे उसकी प्रचंडता कम होने लगती है, तो वो मानो शरद हवि के समान है। अब दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या करें तो जो वसंत ऋतु है, वसंत का आगमन होता है। गीता में क्या कहा है भगवान कृष्ण ने, ऋतुओं का वर्णन करते हुए कहा, ऋतु नाम कुसुमाकर, मैं कौन हूं, कहते हैं ऋतुओं में जैसे कुसुमाकर है, कुसुमाकर वसंता, ऋतुओं में जो वसंत का स्थान है वही इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मेरा स्थान है। तो यहां पर यज्ञ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो अवयव है, जिसकी हम हवि देते हैं, जिसकी आहुति देते हैं, वो क्या है, आज्य घृत है। तो वसंत ऋतु मानो इस परमात्मा का सृष्टि यज्ञ जो चल रहा है उसके घृत के समान है। ग्रीष्म ऋतु इसके ईंधन के समान है। देखिए ग्रीष्म ऋतु भले ही संताप देने वाला होता है, लेकिन यदि ग्रीष्म ऋतु का आगमन बंद हो जाए, यदि गर्मियां न आए, सूर्य की प्रचंडता न संसार में व्याप्त हो, तो न जाने कितने रोग, कितने कीटाणु, कितनी समस्याएं इस संसार में उत्पन्न हो सकती हैं। वर्षा ऋतु में ठीक ठीक प्रकार से जो वर्षा होती है, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, हम प्रार्थना करते हैं, तो वो भी इसलिए होती है कि यदि ग्रीष्म ऋतु ठीक समय पर ठीक प्रकार से आए, उसकी प्रचंडता ठीक हो और उससे जो वाष्प बनता है, उससे जो मेघ बनते हैं, उसी से फिर वर्षा ऋतु में ठीक प्रकार से वर्षा होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु का भी बड़ा महत्व है। और शरद हवि, शरद ऋतु मानो इस सृष्टि यज्ञ के हवि के समान है। तो तीनों, तीन चीजें ही होती हैं यज्ञ में, संविधाएं चाहिए, घृत चाहिए और सामग्री चाहिए। तो वसंत ऋतु इसके घृत के समान है, ग्रीष्म ऋतु ईंधन संविधाओं जैसा है और शरद ऋतु सामग्री के समान है। ठीक है, सप्तास्यासन परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तनवाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। अब इन मंत्रों का
ठीक ठीक प्रकार से अर्थ न जानने के कारण मध्यकाल में बड़ा अनर्थ हुआ और वो अनर्थ की परंपरा आज तक अद्यावधि इस समय तक भी बहुत सारे स्थानों पर चल रही है। अब वेद का अध्ययन करने वालों ने या वेद पाठ करने वालों ने देखा कि यज्ञ का प्रसंग चल रहा है और यज्ञ के प्रसंग में क्या कहा, पुरुषम पशुम अबधन, उस पशु को उस यज्ञ में बांधा, इसलिए बांधा कि उसकी आहुतियां देनी है, पशुओं की बलि दी जाने लगी, कहीं पुरुष को ही पशु मान लिया तो पुरुष की बलि दी जाने लगी, ये अर्थ का अनर्थ हुआ। इसलिए ऋषिवर दयानंद की कृपा से हमको इन मंत्रों का जो वास्तविक अर्थ है, यथार्थ है, उसको जानने के बाद फिर पूरे सूक्त की, देखिए कोई भी सूक्त अध्याय कोई कांड ये नहीं होता है कि पहले कहीं की कोई बात कह दी, फिर कहीं दूसरी बात कह दी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसा नहीं होता। उसकी अपनी एक संगति होती है, उसका अपना एक क्रम होता है, तारतम्य होता है, उस सूक्त का, उस मंडल का, उस अध्याय का कोई ना कोई एक प्रतिपाद्य होता है, उसका दृष्टा, उसका साक्षात्कर्ता जब कोई एक ऋषि है तो वो ऋषि उन्मत्त होकर के कोई प्रलाप नहीं करेगा। ऋषि बुद्धि तो वह कहलाती है कि जो सुव्यवस्थित ढंग से गंगा की धारा के समान निरंतर प्रवाहमान रहती है और एक दिशा में बढ़ती चली जाती है। तो देखिए अब इस मंत्र का अर्थ आप सोचें। परमपिता परमात्मा मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, देखिए इसमें सारे जो मंत्र हैं, ऋग्वेद में देवताओं से प्रार्थनाएं की गई हैं और देवताओं से प्रार्थना के माध्यम से अपने अंदर उन गुणों को धारण करने की संकल्पना है। यहाँ मनुष्यों को संबोधित करते हुए ही प्राय अनेक मंत्र हैं, अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के मनुष्यों को संबोधित करते हुए हैं कि मनुष्य तुम ऐसा करो, तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि हे मनुष्यों, इसलिए देखे ऋषि दयानंद ने जो अन्वय या भावार्थ लिखा है उसमें संबोधन यही है, हे मनुष्य भवद्भिर एतत् कार्यम, आपको ये कार्य करना चाहिए। किम करणीयम, किम कार्यम अस्ति, तो यहां कहते हैं यद यज्ञम तन्वानः, दूसरी पंक्ति में देवाः, यद यज्ञम तन्वानः, देवताओं ने जिस मानसिक यज्ञ का, तन्वानः कौन सा प्रत्यय है, शानच, किस सूत्र से होता है, समानादि, हाँ तन्वानः विस्तारयन्तः, मानसिकम यज्ञम तन्वानः, मानसिकम यज्ञम विस्तारयन्तः, मानसिक यज्ञ का विस्तार, ये तो इतना है कि विस्तृत होते 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 सारे ब्रह्मांड को अपने आप में समेट लेता है। यो वै भूमा तत् सुखम, जो भूमा है, व्यापक है, विस्तृत है, उसी में सुख है, नाल्पे सुखम अस्ति, किसी को बहुत संकुचित करते करते समेटते समेटते इतना संकुचित कर दिया जाए कि वो बिल्कुल लुप्त प्राय सा हो जाए, उसमें सुख नहीं है। तो कहा देवाः यद यज्ञम तन्वानः, जिस मानसिक यज्ञ का विस्तार करते हुए, और कहते हैं पुरुषम पशुम अबधनन, कहते हैं इस पुरुष को ही, मानो इस पुरुष की ही हवि देनी है। पुरुष की हवि देने का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। हवि देना का मतलब क्या है, रघुवंश महाकाव्य का आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ त्रयोदश सर्ग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर जानकी और लक्ष्मण जी के साथ लंका से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। आते समय उनको रास्ते में समुद्र दिखाई देता है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। फिर बहुत सारे ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए, उनका
वर्णन करते हुए एक ऋषि का वर्णन करते हैं कि देखो यहाँ एक शरभंग नाम का ऋषि तपस्या कर रहा था, उसने अपने चारों तरफ अग्नि को जला रखा था और मध्य में आकाश में भगवान भास्कर तप रहे थे। चारों तरफ भौतिक अग्नि, आकाश में सूर्य रूपी अग्नि और उसके नीचे वो बैठा हुआ तपस्वी दिन रात 24 घंटे तपस्या में लीन रहता था। और अंत में वहाँ एक वाक्य का प्रयोग है, तनुमपि अहौषित, अर्थात अपने तनु को, अपने शरीर को भी अंत में उसने उसी अग्नि के अंदर आहुत कर दिया, स्वाहा कर दिया। ऐसे ऐसे तपस्वी लोग हुआ करते थे, ऐसे तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी कहा कि अपने आप को ही, पुरुष को ही पशु के रूप में, पशु का अर्थ यहाँ पर जानवर नहीं है, पशु का अर्थ क्या, यहाँ पर दर्शनीयम, दृश्यम, दृश्य धातु से ही तो पश्य बनता है। कैसे बनता है? दृश्य के स्थान पर किस सूत्र से होता है? हाँ, सूत्र से पश्य आदेश होता है। इसलिए किन किन लकारों में पश्य बनेगा? हाँ, जो शित है, तिंगशित सार्वधातुकम, जहां शब का आगम होता है वहां पर, हाँ, दृश्य के स्थान पर पश्य आदेश हो जाएगा और अन्य लकारों में दृश्य ही रहेगा। इसलिए ददर्श वहां पर पश्य आदेश नहीं होता। अद्राक्षित, द्रक्षति, ये सारे के सारे वही रूप चलेंगे, लेकिन जहां पर शब का आगम होता है वहां पर पश्य आदेश। तो पशुम का मतलब है जो दर्शनीय है, देखने योग्य है, ऐसे उस पुरुष को, ईश्वर को, परमात्मा को ही उस यज्ञ में बांधा, अर्थात उस यज्ञ के साथ उसको जोड़ा, उस यज्ञ के साथ उस पुरुष का संबंध दृढ़ता के साथ स्थापित कर दिया। उस यज्ञ को करते समय कहते हैं सप्तस्य आसन परिधयः, उस यज्ञ की जो परिधि थी, सप्त गायत्री आदि जो सात छंद हैं, वो सात छंद ही मानो उस मानसिक यज्ञ की परिधि थी। परिधि किसे कहते हैं? परितः, सर्वतः, धीयते, धार्यते, चारों तरफ से उसको धारण करने वाली, अर्थात उसकी सुरक्षा करने वाली, उसको संभालने वाली, उसको सुव्यवस्थित रखने वाली। तो ये जो गायत्री आदि सात छंद हैं, यही मानो उसकी परिधियां थी। और त्रिसप्त, त्रिसप्त का मतलब सात्या 21, समिधा कृता 21 समिधा। अब 21 समिधा आप लगा लीजिए, इसको कई प्रकार से इसका गुणा भाग विद्वानों ने किया है। एक तो हो गई प्रकृति, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान, महत से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं। तो इस प्रकार से क्या क्या हो, कितना हो गया, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पांच तन मात्राएं। अब पांच तन मात्राएं ले लीजिए, चाहे पांच स्थूल भूत ले लीजिए और पांच ज्ञानेन्द्रिया, सत्व रजस तमस, ये तीन मिलाकर कितने हो गए, 21 हो गए ना। देखिए, एक हो गई प्रकृति, एक महत्त्व, एक अहंकार, तीन हो गए और पांच तन्मात्राएं 8, पंच महाभूत 13, पांच ज्ञानेन्द्रिया 18, सत्व रज और तम, ये तीन। इस प्रकार से ये 21 इसकी संविधाएं हैं। तो इस प्रकार से 21 संविधाओं के द्वारा, सात परिधियों के द्वारा देवताओं ने इस मानसिक यज्ञ का विस्तार किया। और इस यज्ञ का विस्तार करते समय मानो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर को ही पशु के रूप में, दर्शनीय रूप में उसमें स्थापित किया। अब यहाँ पशु का अभिधा वाला अर्थ आप ले लें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये तो सब जानते हैं ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा क्या करती है? हाँ?
शब्द के मुख्यार्थ को प्रतिपादित करने वाली जो वृत्ति है उसको कहते हैं अभिधा। बस जो उसका प्रसिद्ध अर्थ है, उसका मुख्य अर्थ है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था एक दिन कि जैसे कोई पुरुष आ रहा है, दो पैरों वाला, दो हाथों वाला और हमारी जैसे आकृति का कोई आ रहा है, और हमने किसी का पश्य पश्य गर्दभ आगच्छति, आ तो रहा है कोई पुरुष लेकिन हमने कह दिया गर्दभ आगच्छति, तो गर्दभ का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है? गधा, एक पशु, लेकिन पशु आ नहीं रहा है, गधा नाम का पशु हमको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है कोई पुरुष, तो फिर अभिधा चली गई, मुख्यार्थ बाद हो गया। तो मुख्यार्थ बाद होने के बाद फिर कौन सी वृत्ति आती है? लक्षणा। और लक्षणा क्यों आती है? ने मुख्यार्थ का बाद होने पर लक्षणा आती है, लेकिन लक्षणा के आने का भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है। लक्षणा का लक्षण याद है आपको? मुख्यार्थ बाधे तदियोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्षते यत्सा लक्षणा रूपिता क्रिया। मुख्यार्थ का बाद हो तो तदियोगे उसी से जुड़ा हुआ कोई अर्थ, जैसे हम कहते हैं गंगायाम घोषः, ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको बिल्कुल अपने मस्तिष्क में ठीक प्रकार से धारण कर लीजिए। गंगायाम घोषा, गंगा में ग्वालों की बस्ती है, तो गंगा में तो बस्ती हो नहीं सकती। गंगा किसे कहते हैं? जहां जल प्रवाहित हो रहा हो वही गंगा है ना, वहां बस्ती हो नहीं सकती। मुख्य अर्थ बाद हो गया तो हमने क्या क्या, गंगा तटे घोषा, गंगा के तट पर घोष है। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि हमने पहले ही क्यों नहीं कह दिया गंगा तटे घोषा, गंगायाम घोषा क्यों कहा? तो यहां पर या तो कोई रूढ़ी होगी या कोई प्रयोजन होगा। प्रयोजन क्या है? हाँ, शीतत्व पावनत्व की प्रतीति। यदि हम कहते गंगा तटे घोषा तो हमारा पतंजलि योगपीठ भी गंगा के तट पर है। कितने किलोमीटर होगी गंगा यहां से? 8-10 किलोमीटर होगी, तो ये कहा जा सकता है कि ये भी गंगा के तट पर है। लेकिन उसकी जो शीतलता, पावनता, उसकी जो ठंडी हवा, वो यहां नहीं अनुभव होगी। इसलिए क्या कहा? गंगायाम घोषा, अर्थात बिल्कुल गंगा में और उसके जो घोष हैं, ग्वालों के जो भवन हैं, उनकी जो कुटियां हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए गंगा की जितनी शीतलता है, जितनी पावनता है, वो सारी की सारी वहां पर भी परिलक्षित होती है। तो जहां अभिधा काम नहीं करती वहां लक्षणा कार्य करती है, और लक्षणा के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो हमने जैसे आने वाले पुरुष को कहा गर्दभ आगच्छति, हम ये भी कह सकते थे गर्दभवत मूर्खः आगच्छति, गधे के समान मूर्ख आ रहा है, तो उसमें वो मूर्खता लक्षित नहीं होती जितनी हम बताना चाहते हैं। जितनी हम उसकी मूर्खता व्यक्त करना चाहते हैं वो तभी होगी जब हम कहा गर्दभ आगच्छति। चलिए आगे, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ये एक बहुत सुंदर वर्णन है। देवाः यज्ञेन यज्ञम अतन्वता, जो देवता हैं वो क्या करते हैं? यज्ञ के द्वारा यज्ञ का विस्तार करते हैं। मतलब यज्ञों की परंपरा से, यज्ञ का अर्थ क्या होता है? देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ का अर्थ होता है इदन्नमम, यज्ञ का अर्थ होता है स्वाहा, ये सब यज्ञ के ही तो स्वरूप हैं। यज्ञ केवल आप बैठ गए और आपने अग्नि प्रज्वलित कर दी और उसमें कुछ संविधाएं लगा दी, घी की आहुति दे दी, सामग्री की आहुति दे दी, ये इतना ही यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो बड़ा व्यापक है।
यज्ञ तो सारे भूमंडल में व्याप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात उसमें समर्पण भी हो, उसमें परोपकार की भावना भी हो, उसमें इदन्न मम की भावना भी हो, देना है लेना नहीं। संसार के जितने व्यवहार होते हैं प्राय सभी व्यवहारों में क्या होता है, देही में ददामिते, तू मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा। आपने मुझे भोजन करवाया मैं आपको भोजन करवाऊंगा, आपने मुझे दूध पिलाया मैं आपको पिलाऊंगा। लेकिन यज्ञ क्या है, वो लेने की भावना नहीं, लेने का कोई अभिप्राय नहीं, केवल देना 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 देना। तो यही कहते हैं कि देवताओं ने इस यज्ञ के द्वारा अयजंता यज्ञ का विस्तार किया, यज्ञ को आगे बढ़ाया। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, और तानि धर्माणि वे, देखिए यज्ञ में एक साथ सारी चीजें हो जाती हैं, पर्यावरण का शोधन हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वेद मंत्र का पाठ भी हो रहा है, वेद मंत्रों के पाठ के साथ साथ जो ब्रह्मा हैं यज्ञ के पुरोहित हैं वो समय समय पर सदुपदेश भी दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ त्याग का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है, संस्कृति का संदेश भी प्राप्त हो रहा है। अर्थात एक क्रिया और उस एक क्रिया के कितने अनंत लाभ हैं, उसके अनेक पक्ष हैं। इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया कि ये संसार का श्रेष्ठतम कर्म है, क्योंकि बहुत सारे कर्म, जैसे एक वाक्य मैंने आपके सामने बोला था एक दिन, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रीणिता, कि एक क्रिया, कोई श्रद्धालु व्यक्ति आम के पेड़ को जल सींच रहा है और क्या कह रहा है कि इससे मेरे पितरों का भी तर्पण हो गया और आम्र वृक्ष का भी सिंचन हो गया, तो दो ही तो चीजें हुई ना। लेकिन यज्ञ में एक साथ अनेक क्रियाएं संपन्न हो जाती है, अनेक प्रकार से उपकार करने वाला ये एक अमोघ साधन है। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, और उसमें जो धारण करने वाले ईश्वर की पूजा, परमात्मा की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, मानवता की सेवा, पर्यावरण की रक्षा, देवताओं को शक्ति, अग्निर्वै देवानां मुखम, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि देवताओं को भोजन कराना है तो क्या करो, और पत्थर वत्थर पर कहीं कुछ भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं का पूजन करना है तो अग्नि प्रज्वलित करो और उस देवता का नाम लेकर के उसमें आहुति देते चले जाओ, और अग्नि में अग्न उपरास्ता आहुति, मतलब जो अग्नि में आहुति दी जाती है वो आहुति उन उन देवताओं तक, अर्थात सारे भूमंडल की रक्षा करने वाले देवताओं तक पहुंच जाती है, ऐसा हमारा विश्वास है। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तो उसके जो धर्म थे, अर्थात उसमें ईश्वर की पूजा, सत्संग, परोपकार, सेवा, तपस्या आदि जो शुभ संदेश दिए जाते हैं, वही इस सृष्टि को धारण करने वाले प्रथम तत्व थे। ये जब तक हैं, ये चीजें जब तक हमारे व्यवहार में हैं, आचरण में हैं, तब तक ये पृथ्वी पृथ्वी है, ये संसार स्थिर है। अब कई बार आजकल आपने पढ़ा होगा कि केरल में त्रासदी हुई, हजारों लोग मर गए, बर्बाद हो गए, तो किसी ने कहा कि जिस भूमि में प्रतिदिन गऊ मांस का भक्षण किया जाता होगा वहाँ पर तो इस प्रकार की विपदाएं आएंगी, तो आएंगी ही आएंगी। वैज्ञानिक दृष्टि से ये कथन असंगत लगता होगा कि भाई भोजन का आपदा से क्या लेना देना, लेकिन यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करें, विचार करें, तो इन सब चीज़ों का तो लेना देना है ही है। मनु जी ने तो यहाँ तक कहा एक श्लोक में, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानाम तु विमानना, त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते, दुर्भिक्षम मरणम भयम्। वो तो केवल इतनी सी बात कहते हैं कि जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होगी
और पूज्य लोगों का अपमान होगा, तिरस्कार होगा, उस देश में, उस समाज में, उस भूमि में त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, वहाँ तीन चीज़ें होती हैं, दुर्भिक्षम, अकाल पड़ता है, मरण मृत्यु चारों तरफ मंडराती रहती है, भय का वातावरण रहता है। अब इसको कोई कहे कि जी इस श्लोक को आप विज्ञान की कसौटी पर कस करके दिखाइए, तो नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन जो सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र में जो विविधता है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, किसी में शारीरिक बल है, किसी में बहुत दुर्बलता है, नाना प्रकार के रोगों से घिरा हुआ है, तो ये सृष्टि वैचित्र, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। तो यही तो कारण है, इसलिए कहा कि ये जो नियम है सृष्टि के, ये प्रथमान्यासन, ये प्रारंभ से, प्रथम से ही, जब से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ही ये आसन, आसन संति भविष्यन्ति, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और कहते तेह नाकम ते महिमान, ते महिमान वे महिमाशाली लोग, नाकम सचंत, नाकम का अर्थ क्या होता है, लेकिन नाकम के दो अर्थ होते हैं, नाकम सूर्यम, नाक का एक अर्थ है सूर्य, और नाकह का दूसरा अर्थ है अत्यंत सुख, कह का अर्थ होता है प्रजापति या सुख नाम सुपठितम, कह सुख नामों में पठित है निघंटु में, न कह अकह क्या हुआ अर्थ इसका, दुख, कह सुखम, न कह अकह दुखम, न अकह नाकह अत्यंतम सुखम, अत्यंत सुखम अस्य कह अभिप्राय स्वर्गम, है ना, मानवः वयम सर्वेपि कथयामः अनुभवामः यद पुण्यानां अतिशय वृद्धि यदा जायते तदैव नाकलोकम स्वर्गलोकम जनः गच्छन्ति, स्वर्गलोकम प्राप्नुवन्ति। तेह महिमानः देवः, वे जो महिमाशाली जो देव पुरुष थे, वो कहते हैं नाकम सचंत, वो नाक को अर्थात अतिशय सुख को, स्वर्ग को, अत्यंत आनंद को सचंत अर्थात प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। कौन सा, यत्र पूर्वे साध्या देवः सन्ति, महाजनो येन गतः स पन्था, ये प्रसिद्ध वाक्य है कि महाजन जिस रास्ते से गए हैं या जा रहे हैं उसी रास्ते से हमको जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात की ओर इंगित करते हुए कहा गया है कि यत्र स्वर्गे लोके अतिशय सुख प्रदे स्थाने, जिस अत्यंत सुख वाले स्थान पर साध्या देवाः सन्ति, साध्या सिद्धाः, साधनया यही स्वकीयम जीवनम सिद्धम निर्मापितम, साधनाओं के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को सिद्ध बना लिया था, ऐसे सिद्ध पुरुष, देव पुरुष यत्र जहाँ संति हैं, अर्थात जिस अतिशय सुख में मुक्त आत्माओं को, जिनको अपवर्ग की प्राप्ति हो गई, जिनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, उनके विषय में हम यही तो सुनते हैं कि वो 24 घंटे हर समय अत्यंत सुख में, ब्रह्मानंद में, परमानंद में, अतिशय आनंद में ही विचरण करते हैं, वहाँ दुख का, कष्ट का, अशांति का लेश मात्र भी नहीं होता। तो यहाँ मंत्र कहता है कि जिस प्रकार से हमारे सिद्ध ऋषियों ने, देवताओं ने अतिशय सुख को प्राप्त किया है, इसी प्रकार से वर्तमान में भी जो यज्ञ आदि शुभ कर्मों के द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर का यजन पूजन करते हैं, वे भी उस स्वर्ग को सचंते प्राप्त होते हैं। ठीक है, अद्भ्य संभृत पृथिवी रसाच विश्वकर्मण समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वम् आजानमग्रे।
अद्भ्यः पृथिव्यै रसात् विश्वकर्मणः अग्रे विश्वकर्मणः संभृतः अग्रे समवर्तत। अद्भ्यः जलों से, जल की बड़ी महिमा है। महाकवि कालिदास ने अपना जो नाटक लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका मंगलाचरण सबसे पहला जो श्लोक है, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में वो लिखते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभिरवतुवः ताभिरष्टाभिरीशः। परमात्मा की 8 शक्तियों का वर्णन इसमें किया गया, अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह रक्षतु। 8 प्रकार की शक्तियों से संपन्न जो परमात्मा है, हे दर्शकों, हे नाटक को देखने के लिए आए हुए सहृदयों, वो परमात्मा आप सबकी रक्षा करे। तो सबसे पहली उसकी शक्ति का वर्णन किया, या सृष्टुः आद्या सृष्टि, जो सृष्टुः कौन सी विभक्ति है, षष्ठी का एक वचन, सृष्टु सृष्टा की, रचयिता की, रचना करने वाले परमात्मा की जो सबसे पहली रचना है, वो पहली रचना क्या है, जल। अपएव ससर्जादौ, कहते हैं सबसे पहले परमात्मा ने जल का ही निर्माण किया। जब प्रलय की अवस्था होती है तो प्रलय की अवस्था में सब कुछ जलमय हो जाता है, ये सारी सृष्टि पानी में डूब जाती है। जलम एव जलम सर्वत्र दरिदृश्यते नान्यत् किमपि तत्र दृष्टिपथम उपैति, प्रलय काल में जल ही जल दिखाई देता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए कहा अद्भ्यः। दूसरा पृथिव्यै, पृथ्वी से, देखो यहाँ पृथिव्यै जो कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, चतुर्थी एक वचन का है, लेकिन ये चतुर्थी जो है ये पंचम्यर्थ है, इसको कहते हैं क्या शब्द है इसके लिए, इसको कहते हैं व्यत्यय, मतलब मंत्र में विभक्ति का प्रयोग है चतुर्थी का और हमको अर्थ ग्रहण करना है पंचमी का, तो व्यत्यय से चतुर्थी को पंचमी बना देंगे तो फिर पंचमी का अर्थ आ जाएगा। तो अद्भ्यः पृथिव्यही अर्थात पृथिव्यः, अर्थ क्या हो गया, पृथिव्यः विश्वकर्मणः, इसमें भी वही विभक्ति है। तो इन सब से, तीनों से संभृतः, इन सब से जो संभृत है, इन सब से जो परिपुष्ट है, इन सब से जो युक्त है, अद्भ्यः पृथिव्यः रसात् विश्वकर्मणः, और कहते हैं कि इन सब के उससे जो परिपुष्ट संभृतः रसात्, संभृत रस से अग्रे समवर्तत, अग्रे अर्थात सृष्टि की रचना से पूर्व ये सब कुछ समवर्तत विद्यमानम आसीत्, समवर्तत ये विद्यमान था, ये स्थित था। त्वष्टा, त्वष्टा शब्द भी किसका वाचक है, नहीं, त्वष्टा अग्नि को भी कहते हैं, त्वष्टा सूर्य को भी कहते हैं, त्वष्टा शिल्पी विश्वकर्मा को भी कहते हैं, त्वष्टा ब्रह्मा को भी करते हैं, क्योंकि वो इसका निर्माण करता है। जैसे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जयंती परमात्मा का ही एक रूप है, वो क्या है, इस सृष्टि का निर्माण करता है, इसलिए वो परमात्मा विश्वकर्मा है। तो त्वष्टा का अर्थ भी यही है कि इस विश्व का निर्माण करने वाला,
सृष्टि के निर्माण करने में सूर्य का भी बहुत बड़ा योगदान है, सृष्टि के बनाने में अग्नि का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे किसी के शरीर में से अग्नि बिल्कुल विदा हो जाए, अग्नि बिल्कुल शून्य हो जाए, क्या स्थिति होगी? हमारे शरीर में से अग्नि पूरी तरह से चली जाए, निकल जाए, तो क्या होगा? तत्काल ये सब समाप्त, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, चलना फिरना, ये सब सारी चीजें एक क्षण में समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए अग्नि का भी महत्व है, सूर्य का भी महत्व है, विश्व को बनाने वाला जो इसका रचनाकार है, शिल्पी है, विश्वकर्मा है, उसका भी अपना स्थान है। तो त्वष्टा वो क्या करता है, विदधत रूपम, और कहते हैं इस सारे संसार के रूपम विदधत, क्षत्रि प्रत्यय विदधत अर्थात इस सारे रूप का निर्माण करता हुआ, इसको बनाता हुआ, इति मानो हमारी ओर आ रहा है। तन्मर्त्यस्य देवत्वम आजानम अग्रे, आजानम, आजानम मतलब जानो, देवत्वम अग्रे आजानम अर्थात उस परमात्मा के, उस पुरुष के, उस परम पुरुष की ये जो महिमा है सारी सृष्टि को बनाने की, चलाने की, यज्ञ करने कराने की, इन बातों के विस्तार की जो उसकी महिमा है, हे मनुष्यों, हे दुनिया के लोगों, उसको भली भांति जानो, जानी ही तम विद्धि, कहते हैं ना उपनिषदों में बार बार आया है, तम विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले प्रजापति को विद्धि कैसे जानोगे? प्रणिपातेन, सबसे पहले तो प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब प्रणाम करना, प्रणाम करने में बहुत कुछ आ जाता है, प्रणाम यूं ही नहीं किया जाता, एक तो होता है प्रणाम, हाथ उठा लिया, प्रणाम होगा नहीं। कितना सुंदर लिखा है हमारे ऋषियों ने, ऊर्ध्वम प्राणायुत क्रामंती, श्लोक सुना ये, ऊर्ध्वम प्राणायुत क्रामंती यून स्थवीर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्थान प्रतिपद्यते। ये जो प्रणाम करने की प्रक्रिया है ना, इसके पीछे कितना बड़ा मनोविज्ञान छिपा हुआ है, ये इस श्लोक में आप देखेंगे। कहते हैं मैं बैठा हुआ हूं, मुझसे कोई बड़ा व्यक्ति सामने से आया, तो कहते हैं प्राणा ऊर्ध्वम युत क्रामंती, छोटे व्यक्ति के सामने बड़ा व्यक्ति जब आ जाता है, बड़ा केवल हाइट से बड़ा नहीं होता, आयु से भी, ज्ञान से भी, विद्या से भी, चरित्र से भी, तपस्या से भी, नाना प्रकार से बड़ा हो सकता है। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के सामने आता है तो ये स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है, प्राण जो है ऊर्ध्वम युत क्रामंती, ऊपर को उठते हैं, और उस समय यदि हम बैठे ही रहेंगे, प्राण तो ऊपर को उठ गए लेकिन हम बैठे हुए अकड़ करके, नहीं हम नहीं उठेंगे, हम तो सन्यासी हैं, क्षमा कीजिएगा, या हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा और कौन, तो कहते नहीं बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे क्योंकि प्राण तो ऊपर को उठ गए लेकिन शरीर को हमने जकड़ करके रोक रखा है कि नहीं इसको खड़ा नहीं होने देंगे। तो कहा प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थान, जैसे ही कोई बड़ा व्यक्ति आया तो हमारे प्राण ऊपर उठे और उसी प्राणों के साथ साथ हम भी उठ गए प्रत्यु, और फिर अभिवादन किया। तो ऋषि कहते हैं पुनस्तान प्रतिपद्यते, जो प्राण है अपने जिस अवस्था में उनको होना चाहिए वो उस अवस्था को प्राप्त कर जाते, इसलिए बड़ों का अभिवादन करने की प्रक्रिया। तो कहा कि इस प्रकार से, इन सारी बातों से, इसीलिए तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक आप लोग बताते हैं सबको, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बताओ इतना सरल फार्मूला दुनिया में कहीं हो सकता है? समय कितना लगा, कितना समय लगता है,
हाँ आधा मिनट, एक मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट 30 सेकंड सुबह और 30 सेकंड रात को सोते समय, एक मिनट में। और उसका परिणाम कितना है? चत्वारी तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है और बल भी बढ़ता है, चारों बढ़ते हैं। ये संजीवनी विद्या केवल भारतवर्ष में ही है, दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है।